तो सैफ को थोड़ा टाइम है तो हम तब तक पेडीक्योर करवाते और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ, सामान अनलोड करवा रहा हूँ, तो चले अभी अंदर बोर्डिंग करवाते हैं और फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेठो, क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप लोग। आपने मेरे लास्ट वाले व्लॉग लाइक किए होंगे और आपके भाई की देखो शक्ल भी कैसी हो गई। अभी आपका भाई जाएगा सलून थोड़ा ड्रेसअप करने के लिए और आपके भाई का आज है ट्रैवल, तो आप चले मेरे साथ। कहाँ जाता हूँ, किधर जाता हूँ, तो आ जाए। सबसे पहले मेरे सन ग्लासेस मेरे नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे लगता है मैं शायद बारहवीं की नाइट में भूल गया हूँ, लास्ट टाइम गया था वहाँ पे। गाड़ी में ही होते बट गाड़ी में अभी है नहीं। मैंने हर जगह ट्राई किया, ये नहीं दूसरे वो। तो चले पहले वहाँ जाते हैं, वहाँ देखते हैं मैं सनग्लासेस अवेलेबल है कि नहीं। आई थिंक सो अवेलेबल होंगे। चले आ जाए, चले आइए। तो अभी चलते हैं मेरे सनग्लासेस लेने के लिए। व्लॉग स्टार्ट किया था दोपहर में बट काम इतने थे कि मैं आपको क्या बताऊं, व्लॉग ही कंटिन्यू नहीं कर पाया। मुझे हेयर कट सलून सैफ के पास भी जाना है, सैफ भाई हमारे वेट कर रहे होंगे। तो चले पहले लेते हैं सनग्लासेस बारहवीं नाइट से, वहाँ मैं भूल गया था। अचानक याद आया मुझे, वरना मैं पूरी गाड़ी मैंने सर्च कर ली, मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैं पता नहीं कहाँ चले गए सनग्लासेस। तो चले देखते हैं वहाँ पे, इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे, आ जाए। तो फाइनली भाई मेरे ग्लासेस मिल गए, दे दे सर। ये आपके भाई के मिल गए ग्लासेस, लेवल किस्म के ग्लासेस ही मेरे, और काफ़ी पुराने ग्लासेस हैं। पहन के दिखाता हूँ मैं ये। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो आपका भाई ये भूल गया था, तो इसकी मुझे शदीद ज़रूरत पड़ेगी ट्रैवल पे। तो चले फाइनली मिल तो गया, अब आइए चलते हैं सलून में, वहाँ पे थोड़ी सैफ के पास जाके थोड़ी हेयर कट करवाते हैं, फिर चलते हैं। इससे पहले पान खाते हैं यहाँ पर, तो लेवल किस्म का पान है यहाँ पे। यहाँ का फाइनली आपका भाई पहुंच गया यहाँ पे टायरों पे। तो चलें चलते हैं, बेहतरीन किस्म की हेयर कट करवाते हैं, बियर्ड बनवाते हैं और रेडी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ऑलवेज बिजी। गुड गुड, यस। हमें भी टाइम दे दे सर। आपका टाइम आपके लिए रखा है, अल्लाह का शुक्र। तो चलिए अब हम करवाते हैं सेफ भाई से, थोड़ा वेट करते हैं, इनको 10 मिनट्स हैं, फिर लुक देता हूँ मैं आपको। तो सैफ को थोड़ा टाइम है तो हम तब तक पेडीक्योर करवाते और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा तो होंगे पेडी मैनेजर। और सैफ भाई कैसे हैं आप यार? गुड ब्रो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। किधर हो यार, टाइम ही नहीं देते यार। टाइम ही टाइम बॉस, आपका ही टाइम है सारा, आपके लिए ही टाइम है। तो यार तो चलो आज हेयर कट करवाते हैं सेकेंड। तो यार क्या किया जाए, काट किया जाए, छोड़ दिया जाए, स्पाइस कट और ब्लेड बस। तो
चलिए तो मैं रेडी हो गया हूँ, अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए। रहिएगा साथ में और आगे बहुत ही मजा आने वाली है आपको इंशाल्लाह। और कहाँ जा रहा हूँ ये भी मैं आपको आगे रिवील करूंगा, तो आ जाए साथ रहिए। कहाँ जा रहे हो मोहम्मद हमदान? एरोप्लेन में जा रहे हो? Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गया हूं, सामान अनलोड करवा रहा हूं, तो चले अभी अंदर बोर्डिंग करवाते हैं और फिर मिलते हैं। चले आ गई बोर्डिंग हो गई है फाइनली, और अब कुछ लेते हैं खाने के लिए। ये बेकरी नहीं बना दी है मरकजी ने, रहमत ऋषि ने, पहले नहीं थी, पहले वहां पे थी छोटी सी, अब यहाँ पे देखे बड़ी बना दी है बहुत। तो जैसे ही मैं निकल रहा था लेवल किस्म में मुझे सैंडविच नज़र आया, तो मैंने बोले खा के फिर आगे बढ़ा जाए ये वाला, तो चले ये लेता हूँ और खाता हूँ। यार ये सैंडविच दे दो यार, ये तीन सैंडविच के साथ ये एक समोसा मेरी नज़र से गुजर रहा था, तो मैंने बोला खाया जाए, तो ये खाते हम। सर बताइए कैसा है? जबरदस्त यार, अभी ब्रांच भी नहीं खुली है ना अपनी, मतलब पीछे पहले उस साइड पे थी। कितना टाइम हो गया आपका यहाँ पे? तकरीबन 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। आपको समोसा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो आप भी जब जाएं तो यहाँ जरूर आए और लेवल किस्म का सैंडविच खा के जाए। आप चले आगे चलते हैं सेकेंड स्क्रीन पर। यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करके जाएगा? नाश्ता भी हो? नाश्ता भी करके जाएंगे। Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. चले आइए फाइनली होगी, मेरी सेकेंड स्किन भी होगी। अब मैं गेट पे बैठा हूँ और अब बारी आती है ये सैंडविच की, तो जाते जाते एयरपोर्ट पे भी कुछ खाना हो जाए ना, इसको खोलते हैं और खाते हैं। देख सकते हैं सैंडविच डबल लेयर, तो इसका पहला बाइट तो बनता है ना, भूख भी लगी है। अच्छा भाई, बुरा नहीं है, वरना मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैकडोनल्ड भी है वो खा लेता, पर मैकडोनल्ड खाया हुआ मैंने, मतलब सैंडविच मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फ्लाइट में भी हाफ आवर बाकी है, तो वेट कर रहे हैं अनाउंसमेंट का और ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। चलिए खाना पीना भी हो गया, तो फाइनली अब मैं जा किधर रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ दुबई, वहाँ पे आपको कोई लेवल किस्म के खाने एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा घूमते हैं, ज़िंदगी के मज़े लेते हैं। तो आइए चले अब फ्लाइट में चलते हैं और दुबई एक्सप्लोर करते हैं। आ जाए Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. Shadow racing towards the light.
to see you one more time. आइए प्लेन में बैठ गया हूँ और चाइल्ड मिल्क ट्राई करते हैं। नगेट दिया है चाइल्ड मिल्क में। अच्छा मेरी मिल आती है बता दो। ये खोल आ जाओ, देखते हैं क्या है खाने में। चायल मिल में जो ये चीज़ थी ना, ये डेजर्ट था, ख़त्म। जिंदगी के मज़े आ गए। इसमें क्या दिया है? ये सब में यही दिया है। पूरी फ्लाइट के अंदर खाना तो ठीक था, लेकिन ये जो सब में दिया है ना, ये गोलगप्पे ये अंदर पूरा कैरेमल भरा हुआ है, मैं आपको बताऊँ। अगर मैं इसको कट करूँगा ना, ओहो देखा आप, क्रीम निकला हुआ। बाकी खाना तो अच्छा मिला। अब लैंड करने के बाद मिलता हूँ। फाइनली आपका भाई दुबई लैंड कर चुका है और अब काफ़ी पब्लिक जा रही है कनेक्शन पे और हमें जाना है बोर्डिंग के पास। तो मैं दुबई लैंड कर चुका हूँ और इंशाल्लाह आगे आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी इस व्लॉग के अंदर, आपको मज़ा भी आएगा। ये देखिए, ये होता है एयरपोर्ट। अब ये देखें, ये जब लिफ्टें खुलेंगी ये तो ये टर्मिनल है। अगर सेम टर्मिनल पे बैगेज के लिए में और दूसरे टर्मिनल पे उतार दें तो वो तो फिर आप ट्रेन में आओ और फिर जाओ। ये देखें, ये लिफ्ट बनाइए। चलो बोर्डिंग करवाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये कितना पूरा भरा हुआ है दुबई इस वक्त। हर कंट्री से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। ये देखें, तकरीबन 20 काउंटर भरे हुए हैं इस वक्त। हर जगह से फ्लाइट उतरी है। आप देखें, सो लगेज नहीं आ रहा यार। कब तक आएगा भाई, कितनी देर लगेगी लगेज?
यहाँ भी वेट करना पड़ता है, तो आ जाएं तो बाहर निकलते हैं फिर चले। तो सारे बैग्स आ गए, बट एक मेरे छोटे बेटे का झूला है वो नहीं आया। मैं अभी लोडर को भेजा है, अल्लाह करे आ जाए, वरना कैसे कंप्लेन करनी पड़े। टैग मैंने दे दिया है, अब वेट कर रहा हूँ कि ये आ जाए। ये देखो सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, झूला और अननेसेसरी चीज़ें, बट वो पता नहीं किधर रह गया। आ जाना चाहिए झूला, वरना मसला होता है। हम निकल गए बाहर। Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. चले इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करता हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ, थक गया हूँ, घर जाके सोता हूँ और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डे एक्सप्लोर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।